वेलकम टू बैक रियल ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों आपके मोबाइल में साइड बैक चालू हो चुका है या आपने चालू किया था पहले, आप उसे बंद करना चाहते हैं। साइड बैक बंद कैसे करें, जैसे कोई भी मैं एक एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, साइड से यहाँ पर बैक आने का यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं साइड से बैक आता हूँ, यहाँ पर नीचे जो भी बटन आते हैं वो तो यहाँ पर हाइड हो चुकी है और यहाँ पर साइड से बैक होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप भी अपने फ़ोन में ये चालू हुआ है इसे बंद करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेना, साथ ही लगे बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करेना ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुँच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अपने फ़ोन में साइड बैक बटन को बंद करना है तो सिंपली क्या करना है, सेटिंग में आ जाना है। एक ऑप्शन है का एडिशनल सेटिंग का, इसमें आना है। फिर एक ऑप्शन है का फुल स्क्रीन डिस्प्ले का, इस पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन्स का ऑप्शन आ रहा है, पर फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर अपने साइड बटन को बंद करना है तो यहाँ पर बटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और देख सकते हैं नीचे की तरफ मेरे बटन वाला ऑप्शन आ चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप भी अपने मोबाइल में जो भी साइड बैक वाला बंद करना चाहते हो ऑप्शन, तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुँच सके।